तो यार गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को कुछ एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर जो है सिस्टम के कुछ हिडन फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ। जहाँ गाइस, यहाँ पर मेरे हाथ में जो ये मी 11X है उसके अंदर जो मैं आप लोगों को कुछ अपकमिंग फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो अभी जो आप अपने फ़ोन के ऊपर इनेबल कर सकते हो या फिर उसे यूज़ कर सकते हो। अब जो यार वीडियो एंड तक आप लोग देखे, उससे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये जो कुछ ऑप्शन जो है कुछ फ़ोन के अंदर वर्क करते हैं, कुछ फ़ोन के अंदर वर्क नहीं करते। तो बाद में मत बोलना कि भाई मेरे फ़ोन के अंदर वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो देखना है तो देख सकते हैं, बाकी आप लोगों के फोन में वर्क करता है या फिर नहीं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहले बात करें तो रियलिस्टिक टच। अब जो रियलिस्टिक टच क्या होता है, आप लोगों को सिंपली जो एक्टिविटी लॉन्चर को अपने ओपन कर लेना है। अब जो एक्टिविटी लॉन्चर आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, आप लोगों को उसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर आ जाते हो, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली जो रियल, सिर्फ इतना रियल लिख लेते हो तो भी यहाँ पर जो सेटिंग के नीचे जो रियलिस्टिक टच वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप जो इसे फील कर सकते हैं। मतलब ये जो क्या होता है भाई, ये जो कुछ डिवाइस के अंदर काम कर रहा है, कुछ डिवाइस के अंदर काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो आप लोग जैसे क्लिक कर देते हो तो ये जो आप लोगों को एकदम रियलाइज कर देता है कि भाई आप जो है रियलिस्टिक टच कर रहे हो, यानी कि ये जो आप लोगों के हैप्टिक फीडबैक वगैरह उस टाइप से देखने को मिल जाता है। अब जो यहाँ पर बबल कितने टाइम फूटते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो उतने टाइम जो यहाँ पर जो एकदम फास्टली, यहाँ पर जो स्मूथ तरीके से यहाँ पर मेरा फोन के अंदर वाइब्रेशन मोटर जो है वो जो फील मुझे हाथ को प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि यार एकदम रियलिस्टिक टच यहाँ पर फील होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ जो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये जो कोई भी फिलहाल काम के नहीं है, लेकिन ये जो आप लोगों के फोन के अंदर वर्क करते हैं तो दैट मींस कि आपके फोन के अंदर भी रियलिस्टिक टच वाला जो हैप्टिक फीडबैक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है शाओमी की तरफ से। तो इसके वजह से जो ये ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाता है, तो आप लोगों को इसे जानना है यूज होता है या फिर नहीं, तो आप लोगों को सिंपली जो यहां पर आके रियल सिर्फ टच कर यहां पर सर्च करोगे तो ये जो ऑप्शन आ जाएगा। बाकी आप लोगों को इसे जो शॉर्टकट के तरीके यूज करना है तो आप लोगों को सिंपली जो यहां पर जाना है और क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर शॉर्टकट नहीं होता तो आप लोगों को सिंपली जो एक्टिविटी लॉन्चर के ऊपर लॉन्ग प्रेस कर देना है, सेटिंग के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आप लोगों को जाने के बाद जो एक परमिशन देनी है, जो कि मैं आप लोगों को अदर परमिशन के अंदर जाकर दिखा दूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन शॉर्टकट वाला ऑप्शन इनेबल कर देना है। इतना करने के बाद ये जो आप लोगों के होम स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, जैसे कि मेरे फोन के अंदर देख सकते हैं ये आ चुकी है। तो ये जो रियलिस्टिक टच वाला फीचर है आप जो इसे यूज़ करके देख सकते हैं। बाकी यार नेक्स्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री अभी फिलहाल जो है अवेलेबल है। तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री एक ऐसा फीचर है कि भाई जो आपके कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपके फ़ोन से चले जाते हैं तो आप जो बाद में उसे जो है रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये जो यार काफ़ी काम का था लेकिन अब जो चला गया, मुझे पढ़ना था वो, तो आप लोगों को यार उसे बाद में ढूंढने की कोई भी नीड नहीं है। आप लोगों को सिंपली जो यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर चले जाना है, ये जो आपके फ़ोन के अंदर काम करता है या फिर नहीं मुझे जो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है। तो सिंपली जो यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोगों को सर्च कर लेना है नोटिफिकेशंस, और इतना सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री के नाम से जो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आप लोगों को उसे फाइंड कर लेना है। या फिर आप जो डायरेक्टली यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी सर्च कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑप्शन आ चुका है, तो सिंपली जो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो उसका डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट बना सकते हैं। अब जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्टकट बना के रखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन के अंदर जितने भी यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आए थे वो जो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो ये जो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अब भले कि मेरा यहाँ से जो एक फेसबुक का नोटिफिकेशन आया था, मैं जो इसे क्लियर कर देता हूँ तो क्लियर करने के बाद भी अगर मुझे देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर जाने के बाद भी यहाँ पर जो मुझे वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब वो जो नोटिफिकेशन आया था वो जो यहाँ पर शो हो जाता है। ये जो इस तरीके से काम करता है, फिलहाल ये जो हिडन है लेकिन आप जो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ जो दो फीचर मुझे नए लगे हैं उसके बारे में मैंने जो यहाँ पर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को ये फीचर अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।